बीच बीच में जल की व्यवस्था राजा धामी ने करा रखी है। तो दोस्तों करीबन 5000 लोगों को पानी पिलाया। ये राजा की थाल है गाइस। मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं लेकिन ये मैंने पता नहीं क्यों पहन लिया है, यहाँ पे रखा था। कॉन्टेक्ट करें प्लीज को जो भी हो इनके सब्सक्राइबर अगर, और इनकी दहेज की बस। जोर से सब बोलो राधे राधे। तो ये हमारे गांव की रैली। गुड मॉर्निंग गाइस। ऐसे लड़के सुबह सुबह आके मेरे घर में मेरे दिन की वाट लगाते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह लड़का पहुंच गया मेरे घर पे। भाई मैं काम कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, करने नहीं रहा कुछ। कर भाई, मैं सीखने के लिए आया, सीखने के लिए आया है। और जो लोग ज्यादा परेशान करते हैं ना मुझे, मैं उनको उठा करके यहाँ पे कुआं है वहाँ फेंक देता हूँ। बट एक पहाड़ का लड़का है तो इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। अभी पहाड़ के लड़कों को छोड़ देता हूँ क्योंकि पहाड़ों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो लेट्स गो इनटू द पहाड़। देख सकते हैं ये इस तरह मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये देखो इनके घर में वाईफाई चलाने के लिए आया था लेकिन मेरे घर में इसने सोचा आके वाईफाई से सारा चीजें ये जो गंदी गंदी पिक्चरें देखता है वो डाउनलोड कर लेगा। लेकिन ये साले छपरी गांव के लोग लौंडे, ये साले गंदी गंदी पिक्चर देखने वाले लड़के, ये साले कैमरा को ऐसे घुमाते रह गए, इनसे वाईफाई तक कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ इसलिए कि जब फोन वोन को चलाते हो तो उसमें कोई अच्छी चीज़ देख लिया करो, कुछ चीज़ें सीख लिया करो। लेकिन नहीं, इनको तो गंदी गंदी वीडियो देखनी है। सुबह सुबह काम कर रहा हूँ भाई, यहाँ गंदी गंदी वीडियो चला दे रहा है। मैं इसकी वजह से अभी अपना वॉइस ओवर नहीं कर पाया यार आज की रील का। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज मैं राजदा के घर पर आया था वाईफाई चलाने के लिए, लेकिन इनका वाईफाई जो है 0% पे चल रहा है। और मैंने इनसे कुछ सीखने के लिए भी आया था, मैं तो ब्लॉगिंग करने के मूड से आया था। और आज जन्माष्टमी भी है तो इनके घर के बगल में मंदिर है, वहाँ जन्माष्टमी का उत्सव भी मनाया जाता है, तो वहाँ भी जाएंगे हम। और राजा कुछ इस तरह एडिटिंग कर रहे हैं राजा धामी की। कितने की मांग करी आपने? 5000 की ना? 50 पैसा। 50 पैसा लगेगा। देख लो इतने विरोधी हैं। आज राजा धामी को भी भेजूँगा शाम को, टैग करूँगा वीडियो। इनकी बाई साइकिलें देखो, ये है 45,000 की और वो है 15,000 की। लेकिन है ये उधर वाली 5,000 की और इधर वाली 10,000 की। और मेरे को चूतिया बना रहे हैं कि ये 45,000 की है। और इनको कंपनी वालों ने खाली रिव्यू करने के लिए दिया था और इन्हें घर में रख ली। बताओ अपनी प्रॉपर्टी समझ के इन्हें घर में रख ली, तब से कंपनी वालों के फ़ोन पे फ़ोन घर पे आए जा रहे हैं। ये भाग जा रहे जब वो लेने के लिए आ रहे तो साइकिल छुपा दे रहे हैं, पता आपको ये। और इनकी दहेज की बस, ये YouTube का काम छोड़ के उसके बाद ये दहेज ये वाली बस चलाएंगे अब, ठीक है। और ये साइकिलिंग हाई स्पीड तो है नहीं, 20 की स्पीड और हाई स्पीड लिख रखा है उसमें। देखो ऐसे क्यों लोगों को चूतिया बनाते हो आप? ऐसी चलेगी आपकी YouTube फैमिली? पहले तो ये गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दो। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये गंदे गंदे लोग आ जाते हैं सुबह सुबह, ऐसे वर्ड्स का हमारे प्रयोग कर रहा है YouTube कम्युनिटी के सामने। तो गाइस जो लोग जानकार हैं, जिनको पता है बाईसाइकिल की बाइक की कीमत कितनी है, उन सबको पता है। अब इनको क्या पता है, ये साले छपरी पहाड़ से आए हुए गाँव के लोग। पहाड़ के लोग तो वैसे अच्छे होते हैं, ये पता नहीं कौन से पहाड़ से आया है, ये वहाँ से जहाँ से भी आया है। साले भांग की खेती करने वाले, साले नशे में धुत। अभी भी ये पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आया, भांग बोल रहा था मेरे से कि भांग की खेती करोगे। मैंने कहा भाई मैं ऐसे नशे वैसे नहीं करता हूँ। भांग बनाऊंगा भांग। तो गाइस कुछ इस तरीके के लोग हैं यार, सुबह सुबह आ गए हैं, अब काम वाम नहीं करने दे रहे हैं, तो आज काम नहीं होगा लग रहा है मेरे को। गाइस मैंने कपड़े तो पहन लिए हैं लेकिन ये मैंने पता नहीं क्यों पहन लिया है, यहाँ पे रखा था। बट अभी मैं शर्ट को प्रेस करके आता हूँ, इसको उतारता हूँ। गर्मी बहुत हो जाएगी। और एक और हमारे जन्माष्टमी महोत्सव में लड़का भी आ गया, तो इसका भी स्वागत है। तो गाइस हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई स्कूटी से आज जन्माष्टमी की। इधर चल तो लेफ्ट ले। अरे गधे लेफ्ट ले कहा तो ब्रेक मार रहा है। अरे तो मैं लेफ्ट क्या होता है यहाँ पे। अभी हमको लेना है एक चश्मा हमारा काला वाला, भाई ये सफ़ेद वाला पहन के थोड़ी चलाऊंगा क्योंकि इतनी धूप हो रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, काला चश्मा लगा के। और ये गंदे गंदे लोगों के संग जाना पड़ रहा है, देख रहे हो। और ये मेरे को आया है शादी में आज कुर्ता पैजामा पहन के एकदम हीरो बन के। जल्दी है और भी बहुत सारे लोगों के यहाँ जल्दी है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रैली किधर को गई वो पता करना। रैली इधर को गई क्या? बता दो यार एक बार किधर को गई। अरे मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो यहाँ पे सुविधा है देखो हमारे लिए, ठंडा ठंडा पानी। ओ या चलिए जय श्री राधे भी बोलो ना। जय श्री राधे। तो हम राधे राधे इसमें लिख के आए हैं। ये क्या है? ये पी के पता लगेगा। ये तुम जिसको देसा समझो बुरास का जूस है, बहुत डाइल्यूट हो गया। लेकिन अरे कर देगा
राधे राधे, कोई राधे राधे नहीं बोल रहा, क्या बात? अरे जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। बोल नहीं रहे यार, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारे अंदर से। राधे राधे बोलो, जोर से सब बोलो, राधे राधे। तो ये हमारे गांव की रैली, यहाँ हमारे पांडे जी की सेवा जा रही है। देखो याला नहीं चाहिए, याला हमें चाहिए। राधे राधे बोलो पहले, राधे राधे जोर से, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो बच्चों। ये श्री कृष्ण भी बैठे हैं, श्री कृष्ण की सर्विस चल रही है। देखो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे सेवा देने वाले हैं। आज हमारा यहाँ टेंट लग रहा है, देखो बढ़िया हमने यहाँ अरेंजमेंट कर लिया है। शाम को आप जो भी लोग यहाँ से रैली में आओगे कृष्ण जन्माष्टमी की, तो ये देखिए ये सब हमारे भक्तजन हैं जो कि आज यहाँ पे सेवा देने वाले हैं, है ना। तो भाई तो अभी से कुर्ता पहन के आ गया है, अभी ये सब भाई लोग भी कुर्ते पैजामे में दिखेंगे यहाँ। और जितनी भी लोग हैं वो सब यहाँ पे आके पानी वानी का हमने इंतज़ाम किया, साथ में केले, केले ठीक रहेंगे, केले केले भी, क्योंकि बहुत से लोगों का व्रत भी है ना, तो उनके लिए केलों का इंतज़ाम भी है। और कुछ लोग देखिए हमारे यहाँ आ गए हैं अभी ये सेवा देने के लिए। भाई साहब थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो चल ही रहा है, चल रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे जगह को मतलब घेरना बहुत जरूरी था ना, घेर के इसलिए अभी हमको इसको हटाने का काम मिला है। इसको हटाते हैं पहले, हमको ये ये गाइस अब ये राजदा इसको हटाएंगे। अब देखो राजदा ये सर्विस लेने वाले हैं, कांटेक्ट करें प्लीज को जो भी हो इनके सब्सक्राइबर अगर कुछ का, इनको बाइक चलानी नहीं आ रही। देखो ये देखो अब इनका ये काम रह गया। अब देखो ये देखो राजदा की थार, ये राजदा की थार है, ये राजदा की थार है, इनने मारे ब्रेक यहाँ पर से। देखो ये राजदा की थार उधर गए थार में से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अबे कट में लाऊंगा, मेरे हाथ में है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो गाइस बड़ी दिक्कतों में फंस चुका हूँ, पहले बर्फ लेने गया था, बर्फ खत्म हो गई मेरे सामने सामने, अब यहाँ पे गिलास लेने आया हूँ। तो 1000 गिलास हैं, 2000 गिलास चाहिए मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारे भक्तों को पानी पिलाना है। तो अभी लेके जाता हूँ यहाँ से, इससे मिलते हैं जल्दी जल्दी, अभी और गिलास आ रहे हैं, तो इकट्ठे करके फटाफट से निकलता हूँ। 4:06 हो चुके हैं ऑलरेडी। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ हल्दूचौर शहर में, तो हम लोग सुबह से यहाँ पे लगे हुए थे, मैं आपको अपडेट दे रहा था लगातार। तो अब आप देखिए हमारे पीछे ठीक पीछे हमारा पंडाल लगकल के तैयार हो चुका है, और हम लोग जितने भी यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और साथ में जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको यहाँ पे जल पिला रहे हैं अपने हाथों से। और इसके पीछे हमारे राजा भाई भी यहाँ पे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। तो क्या कैसा लगा आपको आज का अरेंजमेंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज रात को जो है श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तो उस उत्सव को हम सब लोग मनाएंगे, पूरे भारत में मनाया जाएगा। तो आप लोग भी देखना, बाकी बने रहिए हमारे ब्लॉग में आगे। दोस्तों देखो अभी हमारी बहनें यहाँ पे लगी हुई हैं प्रसाद वितरण में। हिमानी काफी ज्यादा यहाँ पे सेवा कर रही है, लेकिन ये गायब रहती है लड़की, और फोन कर रहा था सबको मैं फोन। तो ये देखो ये सारे कामदार लड़के हमारे, ये लड़कियाँ बहुत सुबह से लगी हुई है मेहनत करने में। इन्होंने करीबन 2-3 हजार गिलास खोल दिए यहाँ पे करके, इनको रोज के 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। और ये भैया हमारे पता नहीं कहाँ चले गए थे, गायब हो गए थे अभी। ये देखिए इनको, इन्होंने अभी तक 2000 गिलासों में पानी भर दिया है, और अंकल ने करीबन 2000 लोगों को पानी ऑलरेडी पिला दिया है। और नब्बू भाई हमारे यहाँ पे कल रात भर से सोए नहीं है, यहाँ पे लगे पड़े हैं। गाय जी अपने से भी ज्यादा वजन का पानी भर के ले जा रही है। देखो देखो देखो, योगा गर्ल ऑफ LBS हिमानी।
तो दोस्तों करीबन 5000 लोगों को पानी पिलाया, खत्म हो गया होगी। अब देखो भीड़ अभी भी आने में लगी है, अपनी भीड़ सारी भीड़ चलेगी, सारी झांकियां चलेगी। अभी लास्ट वाली मैंने देखी बस, क्योंकि मैं पानी पिलाने में इतना ज्यादा बिजी था। नगर 2 कालिका मंदिर में, जो कि हमारे गांव में ही स्थित है। उसके बाद हम लोग दूसरे मंदिर में गए थे, वहां सब्सक्राइबर्स मिल गए, जो कि था कालिका मंदिर पुराना बिंदुखत्ता। वहां भी बहुत भव्य आयोजन किया गया था कृष्ण जन्माष्टमी का, जैसे कि आप सब लोग देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता यहां पे इकट्ठी हुई है श्री कृष्ण की लीला के लिए। तो गाइस काफ़ी अच्छा रहा कल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम। हर मंदिर में हम लोग गए, बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत से सब्सक्राइबर्स भी मिले, या बाकी जो भी शॉर्ट्स वहाँ के हैं वो मैं आपके संग शेयर कर दिया ऑलरेडी। तो आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ नीचे से लिखिए जय श्री राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज़।